Assalamu alaikum, a very good morning. Let's talk about idioms, phrases that do not mean exactly what they say. अब जो हमारे phrases होते हैं, हमारे sentences होते हैं, उसमें exactly वो meaning नहीं होता जो आपको phrases में. अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं piece of cake. Piece of cake. The maths test was a piece of cake for me. अब ज़रूरी नहीं है कि maths test उसके लिए वाकई में एक piece of cake था, केक का एक हिस्सा था. It means easy. उसके लिए बहुत easy था. कुछ भी आपके लिए जो आसान होगा, easy होगा, उसे हम कहेंगे piece of cake. Bring home the bacon. अब bring home the bacon. I am the only person who bring home the bacon. अब जो घर में पैसे लेकर आते हैं या जो घर को चला रहे होते हैं और पैसे ला रहे होते हैं, bring home the bacon. To go bananas, crazy. He went bananas. Crazy हो जाना, गुस्से में आ जाना. Have bigger fish to fry. अब ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई हैव बिगर फिश टू फ्राई. अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी साइज़ की मछली फ्राई करने के लिए ही वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा. मीन्स उसका उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मीटिंग अटेंड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है कि वो मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं कर रहा. एप्पल ऑफ हिज और हर आई. अब ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी आंखों का सेब है. मीन्स बहुत प्यारा होना और बहुत ज़्यादा आपके करीब होना, वो आपके एप्पल ऑफ हर आई. टफ नट टू क्रैक. Like Javeria is a tough nut to crack because one day she is happy and the other day she is sad. अब मुश्किल होता है उसको समझना क्योंकि एक दिन वो खुश होती है और एक दिन वो sad होती है. तो इनको हम कुछ sentences में use करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि what are idioms. Idioms जो हैं, जो आपके phrases में लिखा होता है, exactly वो meaning नहीं होता उसका, जो है different meaning होते हैं. जिस तरह से ये कुछ फूड idioms हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो केक, बेकन, बनानास, फिश, नट, एप्पल. तो इस तरह से idioms तो बहुत सारे हैं और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. तो आज हम इन कुछ idioms को देखते हैं. पीस ऑफ केक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, समथिंग ईजी, जो आपके लिए बहुत ईजी हो उसके लिए आप कहेंगे पीस ऑफ केक. The English test was a piece of cake. अब उसे लगा English test बहुत easy, तो उसने मिनटों में कर लिया test. तो ये the English test was a piece of cake. The maths test was a piece of cake. The physics test was a piece of cake. Cooking is a piece of cake for my mom. अब उनकी mom बहुत अच्छा खाना बनाती हैं. Is a piece of cake for my mom. Fixing car is a piece of cake for Ali. Car को fix करना, उसमें जितनी भी problems आती हैं, कुछ भी होता है, वो Ali के लिए is a piece of cake है. Lift 5 kg. It's a piece of cake. अब वो 5 kg lift कर सकता है, उठा सकता है, तो उसके लिए it's a piece of cake. Living with my roommate is not a piece of cake. अब roommate के साथ रहना, क्योंकि उसके साथ आपकी तबीयत नहीं मिल सकती है और कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं. यहाँ की चीज़ यहाँ फेंक दी, वहाँ फेंक दी, जूते उतार दिए, वहाँ फेंक दिए. और कुछ लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और जब वो एक ही रूम में एक साथ रहते हैं तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर देम टू लिव टुगेदर. टू गो बनानास. एक्सट्रीमली क्रेजी टू बिकम क्रेजी. बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, क्रेजी हो जाना. तो टू गो बनानास. ही वेंट बनानास. अब रीज़न क्या है, क्या हुआ है कि वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. शी विल गो बनानास वेन यू टेल हर द ट्रुथ. शी विल गो बनानास. जब आप उसको सच बताओगे, जब उसे सच का पता चलेगा, तो शी विल गो बनानास. आई जस्ट वेंट बनानास वेन आई फाउंड आउट व्हाट ही हैड डन. मुझे उस टाइम एक्सट्रीमली गुस्सा आया जब मुझे पता चला कि उसने क्या किया. व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया था. ठीक है, आई जस्ट वेंट बनानास When I found out what he had done. So हम to go bananas का meaning होता है. अब देखा सेंटेंस, he went bananas. अब originally तो bananas इसमें नहीं है, but sentence phrases different हैं और उनके meanings different है. Like she will go bananas when you tell her the truth. Phrase total different है, but जब आप इसके meaning पर तवज्जो देंगे
तब आपको समझ आएगा कि टू गो बनानास मीन्स टू बिकम एक्सट्रीमली क्रेजी. शी विल गो बनानास इफ शी सीज द हाउस इन दिस कंडीशन. अब उसे शी विल गो बनानास अगर उसने रूम को इस कंडीशन में, हाउस को, सॉरी हाउस को इस कंडीशन में देखा. अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए इन अ डर्टी कंडीशन, अगर डर्टी कंडीशन में जो है देखा तो उन्हें वो क्रेजी हो जाएंगी. मोस्टली जब हम घर को गंदा कर देते हैं बच्चे और मम्मा आती हैं तो जाहिर है उन्हें बहुत शदीद गुस्सा आता है. अभी तो सफाई की थी, अभी तो घर साफ किया था, फिर से ये हाल कर दिया. तो शी विल गो बनानास इफ शी सीज द हाउस इन दिस कंडीशन, इन दिस डर्टी कंडीशन. द फैंस वेंट बनानास, फैंस जो है उनको बहुत ज्यादा, वेन देयर टीम वॉन द गेम एट द लास्ट सेकेंड, जब उनकी टीम ने, अब फैंस वेंट बनानास, खुशी में भी क्रेजी भी, एक्सट्रीमली क्रेजी होके बहुत ज्यादा खुश होना, टू बिकम क्रेजी खुशी में भी हो सकता है और गुस्से में भी हो सकता है. यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है द फैंस वेंट बनानास वेन देयर टीम वॉन द गेम एट द लास्ट सेकेंड. लास्ट सेकेंड में जब उनकी टीम ने मैच जीता, वॉन किया, तो द फैंस वेंट बनानास, खुशी से, एक्सट्रीमली खुश हो जाना, एक्सट्रीमली गुस्सा आ जाना. तो ये सेंटेंस एक लास्ट में इसलिए रखा ताकि हमें टू गो बनानास का समझ में आए, एक्सट्रीमली खुश होना या एक्सट्रीमली गुस्से में आना. ब्रिंग होम द बेकन, टू अर्न मनी, पैसे कमाना, ठीक है. माई हस्बैंड ब्रिंग्स होम द बेकन, मेरे हस्बैंड जो हैं वो पैसे कमा कर घर लेकर आते हैं. I will be most upset if this book does not bring home the bacon. अब उन्होंने कोई बुक लिखी है, उसको पब्लिश करवाया है, तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगा अगर ये किताब मुझे पैसे नहीं कमा कर देगी या मेरे लिए पैसे नहीं लेकर आएगी. Both Sara and Ali got jobs to bring home the bacon. Sara and Ali जो हैं उनको जॉब मिल गई है, तो वो जो हैं bring home the bacon, पैसे घर लेकर आएंगे, ठीक है. तो ब्रिंग होम द बेकन मीन्स टू अर्न मनी. टफ नट टू क्रैक, टफ मीन्स बहुत सख्त होना. नट्स आपके होते हैं, ड्राई फ्रूट में आपके नट्स हो सकते हैं, कुछ नट्स इतने हार्ड होते हैं कि वो दांतों से नहीं टूटते, हम उसको किसी चीज से तोड़ते हैं. क्रैक होना, तोड़ना. द टीम्स डिफेंस इज अ टफ नट टू क्रैक, अब टीम का डिफेंस करना जो है वो एक टफ नट टू क्रैक था, बहुत मुश्किल था. सारा फाउंड निटिंग, निटिंग आपका होता है जो आप स्वेटर बुनते हैं, तो निटिंग जो आप वुल से बनाते हैं. सारा फाउंड निटिंग अ हार्ड नट टू क्रैक, अब उसके लिए निटिंग करना इतना मुश्किल था, जस्ट लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक. द न्यू बॉस इज गोइंग टू बी अ टफ नट टू क्रैक, अब जो न्यू बॉस आया है उसके रूल्स बहुत मुश्किल हैं और बहुत स्ट्रिक्ट है, बात बात पे कुछ ना कुछ बोलता है, तो वो कह रहे हैं कि इज गोइंग टू बी अ टफ नट टू क्रैक, लग रहा है कि ही इज अ टफ नट टू क्रैक. कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम टफ नट टू क्रैक के. क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज अ टफ नट टू क्रैक, अब माउंटेन बहुत ऊंचा है तो उस पर चढ़ना जो है लाइक अ टफ नट टू क्रैक. जवेरिया इज अ टफ नट टू क्रैक, अब हम देखते हैं जवेरिया को क्यों टफ नट ऑफ क्रैक कहा गया है. वन डे शी इज फ्रेंडली, एक दिन वो बहुत फ्रेंडली होती है. And the next she is really quiet. अगले दिन वो बिल्कुल खामोश हो जाती है. So I'm not sure if she likes me or not. अब वो पता लगाना चाह रही है कि जवेरिया मुझे पसंद करती है या नहीं. एक दिन जो है जो बहुत मुश्किल हो जाता है, जवेरिया इज अ टफ नट टू क्रैक. पहले दिन जो है वो बहुत फ्रेंडली होती है और नेक्स्ट डे बहुत क्वाइट हो जाती है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाती है. तो वो आइडिया नहीं लगा सक रही है whether she likes me or not. Apple of his eye. Apple of her eye, something or someone we like a lot, जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो हमारे apple of eye होते हैं. जिस तरह से उर्दू में कहा जाता है कि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है, तो जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत अच्छा लगता है उसके लिए कहा जाता है. I love my mom, she is the apple of my eye. अब अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा उनको एडमायर करती हूँ, तो मैं अपनी माँ के लिए कहूँगी शी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई. शी हैज़ थ्री चिल्ड्रन, उसके तीन बच्चे हैं, बट हर यंगेस्ट डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हर आई, जो सबसे छोटी वाली है वो उसकी एप्पल ऑफ द आई है. हम एक और idiom की तरफ आते हैं, हैव बिगर फिश टू फ्राई. इसका ये मतलब नहीं है कि वाकई में आपने कोई बड़े साइज की मछली को फ्राई करना है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया
I couldn't attend the meeting. I had bigger fish to fry. I had to नहीं कर सका, वो मीटिंग मैं अटेंड नहीं कर सका क्योंकि मुझे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम था. I can't spend a lot of time on the problem. I have bigger fish to fry. मैं इस प्रॉब्लम पर जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम है. तो have bigger fish to fry का मतलब होता है कि जो काम आप उस टाइम पे कर रहे हैं या आपके सामने कोई से दो काम आ जाते हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है वो होता है have bigger fish to fry. जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है उसको हम कहते हैं have bigger fish to fry. तो अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ. डोंट वरी द टेस्ट वॉज़ा, अब जैसे मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो वरीड होते हैं अपने बच्चों के टेस्ट के लिए. तो जब वो स्कूल से आते हैं टेस्ट देने के बाद तो बच्चा रिप्लाई करता है डोंट वरी द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक. मीन्स बहुत आसान था. व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, सारा वॉज गोइंग, क्या आएगा आप बताएं? एक्साइटमेंट में भी हो सकता है और एंग्री वे में भी, एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली एक्साइटेड जो है. Bananas. When we arrived, Sara was going bananas and shouting at everyone. खुशी से उसने shout करना शुरू कर दिया. He worked hard all week to dash for his family. अब हमने कौन सा idiom सीखा था? He worked hard all week. अब उसने पूरे हफ्ते काम किया to to bring bacon for his family. I asked Shahzeb to help me out on this project. अब शाहजेब को कहा कि इस प्रोजेक्ट में आपकी मुझे हेल्प चाहिए. But he said he had, क्या होगा? अब इससे ज़्यादा important जब दूसरा काम है, he had bigger fish to fry. राइट नाउ, अब हो सकता है वो उसकी हेल्प उस टाइम पे कर देता, बट राइट नाउ प्रोजेक्ट में हेल्प करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और काम था, इसलिए शाहजेब ने रिफ्यूज़ किया. आई हैड बिगर फिश टू फ्राई राइट नाउ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. हिज ओनली सन वॉज द, एक ही बेटा है, आँखों का तारा है. हिज ओनली सन वॉज द Apple of his eye. अब आपको समझ आया कि idioms को हम sentences में किस तरह से use करते हैं और जब हम इनको use करके sentences में बात करते हैं तो हमारे sentences बहुत impressive लगते हैं. और idioms जो है वो exams में भी आते हैं, आपके idioms. तो हम कुछ और idioms लेके चलेंगे. आज हमने किए थे food idioms, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी. चलें भाई जल्दी से like कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मैं कुछ और वीडियोस आपके सामने रख सकूं. तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफिज़.